नेहा, निखिल और रफ्तार, आप तीनों की टीम्स में कोई ना कोई टास्क के दौरान पानी में गया। आप तीनों को -1 की पेनल्टी लगी। तो एक होता है जीरो से स्टार्ट करना और एक होता है कि भाई अंडरग्राउंड से स्टार्ट करना, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे डगमगा चुका था। अब मुझे लग रहा था कि अब हम इस टास्क में बहुत पीछे जा चुके हैं, ये टास्क हमारे हाथ से निकल गया। नाउ लेट्स कम टू द बॉल्स। आपने कितने कलेक्ट किए? निखिल 3 येलो 1 रेड। हमने बोला था कि 2 रेड और 2 येलो मिनिमम है। व्हाट वी गोना डू इज हम आपको 2 रेड और 2 येलो देंगे, बट उसके लिए भी -1 होगा। निखिल के साथ साथ नेहा की टीम को भी मिली एक और पेनल्टी और अब दोनों टीम थी -2 पर। एट द सेम टाइम प्रिंस की टीम सबसे पहले आई और उन्होंने एलो फ्रूट जूस एडवांटेज पा लिया। दे हैव +1। कांग्रेचुलेशंस टीम प्रिंस, 3 येलो 2 रेड ऑलरेडी +1 पे हो, यहां से मत हारना। बेस्ट लक, ऑलरेडी लीडिंग, एक अच्छी लीड। इस टास्क में मेरे को मदद करेंगे टू गिव द स्कोर योगा गुरु शोभित जी। क्या हाल है शोभित जी, ठीक ठाक? ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। सबसे पहले वी गोना गो विद टीम निखिल। अब बारी थी टास्क के सेकंड स्टेज की। लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो हर एक टीम से एक एक रोडी को रिप्लेस करेंगे, जिसे उन्हें मौका मिले और वो देख पाए कि कौन कैसे कर रहा है और इससे सही पोज करके हमें एक एडेड एडवांटेज दे। पहला आसन है भुजंगासना। निखिल सर के टीम में एक्चुअली प्रोफेशनल थी ऑलरेडी ज्योति निशा। निशा को योगा का आई गेस हर चीज पता है, वो योगा की मास्टर है। तो निखिल सर ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि वो निशा को कॉपी करेंगे और हम कॉन्फिडेंट थे कि हम ही ये टास्क जीतेंगे। Are you ready for the big bang? मेरे को सपना आसना दिख रहा है। निखिल सर और निशा के ऊपर सब कुछ था, मैं तो क्योंकि ऐसे थे कि यार मैं तो पता नहीं क्या ही करूंगी वहां पे। इट्स लाइक फिलिंग अ रिपोर्ट कार्ड। अगला वाला है पश्चिम ओतान आसना। डांस, ये तो देख के भी ना हो। ये तो देख के भी ना हो। पश्चिम उत्थान आसना। सपना आप खोखो आसना कर रही है। कभी ऐसे खड़ी हो जा रही थी, कभी खोखो के पोजेस कर रही है। वो क्या फील्डिंग के लिए गई थी या योगा के लिए गई थी? I just don't get it. Time's up. Bang, bang, bang. तो हर आसन में मैं निशा को कॉपी कर रहा था। She was the best in this task. तो आसान वाले हो गए। Let's go on a red one. एका पदा ऊर्धा धनुरासना। अर्ध पद एक पद। वो कैसे भी करके वो टास्क जीत सकते थे, बट एक प्रॉब्लम जो उनकी हो गई कि वो जो निशा उनकी योगिनी थी वो कब अप्सरा में चेंज हो गई हमें पता ही नहीं चला। सा, 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 दी, सा, दी, सा, मैंने काफी आराम आराम से किया, मैं अपने फ्लो में चली गई थी। निखिल सर जब तक आए वो मैडम सोच ही रही है कि क्या आसन करूं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी ग्रेस से योगा करना होता है। क्या हुआ सपना, योर नंबर 2? It was something. I cannot do this. हमारी योगा एक्सपर्ट की असिस्टेंट सपना जी, क्योंकि उन्होंने इतने दावे किए थे लीडर्स के सामने कि वो बहुत ही अच्छा योगा करती हैं, उन्हें सारे नाम याद हैं। जब परफॉर्म करने की बारी आई तो हम देखते हैं कि सपना अपना ही योगा कर रही हैं। मैं ये देखता हूँ
कि इनकी टीम का हाल तो बहुत बुरा है। ये लोग सब अलग अलग पोजेस कर रहे हैं। और जो निशा, जो योगिनी जी है इनकी टीम में, पर वो भी गलत जा रहा है। टाइम अप। ऑलराइट, लास्ट निखिल, परिवर्ता पार्श्व कोणासना। परिवर्ता पार्श्व कोणासना। सिक्सर गया, ये तो समझ ही नहीं आएगी क्या है। निशा बहुत अच्छा योगा तो कर रही थी, लेकिन वो अपने बिल्कुल मुद्रा में आके प्यार प्यार से लगी हुई टास्क करने, 10 सेकंड का टाइम एटलीस्ट था निखिल सर के पास कि वो किसी न किसी का योगा देखें और गैस करें कि हाँ ये सही है कि नहीं, और फिर उनको जाके परफॉर्म भी करना था वो। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा निशा करी कह रही है इतनी स्लो। निशा इतना ज्यादा फ्लो में चल गई थी कि तब तक समय खत्म हो जा रहा था। जो गुस्सा आ रहा था हमें भी बाहर देख के, निशा ये कर क्या रही हो, आप योगा क्लास में नहीं बैठे हो, आप यहाँ टास्क जीतने के लिए बैठे हो। 30 सेकंड्स। पीछे से आवाज आई, 30 सेकंड, 10 सेकंड, और अभी भी निशा ग्रेसफुली आसन करे जा रही है। हाँ। ऊपर से तीर आ रहा है मेरा, ऊपर से आएगा मेरा। निखिल भाई को लॉक लग गया। 10 सेकंड्स। निखिल, the rest of it is done just now. Come and check. Time's up. निखिल सर के लिए निशा वाज लाइक लॉटरी का वो टिकट जो स्क्रैच करने पे वो उतनी उम्दा प्राइस नहीं दे सकी, और सपना ऑन दी अदर हैंड वाज लॉटरी का वो टिकट जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली खेल रही थी।